माउंटेन्स पे और क्लिफ टॉप्स के ऊपर जब हवाएं लगातार चलती है तो जो प्लांट का डायरेक्शन होता है, प्लांट की ट्रंक का डायरेक्शन होता है वो स्लांटिंग हो जाता है, ब्रांचेस का जो डायरेक्शन होता है वो स्लांटिंग हो जाता है, वो एक शेप ले लेता है कुछ इस तरीके से, ऐसे हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्साई हंटर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंडस्वेप्ट यानी फुकिनागाशी बॉन्साई के बारे में। वी विल टॉक अबाउट विंडस्वेप्ट स्टाइल बॉन्साई, हाउ टू मेक विंडस्वेप्ट स्टाइल बॉन्साई एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ विंडस्वेप्ट स्टाइल बॉन्साई। फ्रेंड्स, दिस इज ए सपाटा प्लांट विच आई हैव बीन ट्रेनिंग एज विंडस्वेप्ट स्टाइल बॉन्साई। दोस्तों, विंडस्वेप्ट स्टाइल की बॉन्साई क्लिफ टॉप्स पे और माउंटेन्स पे जहाँ पे लगातार तेज हवाएं चलती है, वहाँ पे जो प्लांट का स्ट्रक्चर है उन तेज हवाओं की वजह से, ब्रांचेज हैं वो तेज हवाओं की वजह से ऐसा आकार ले लेती है कि हमें ऐसा लगता है कि एक ही तरफ सारी ब्रांचेज जा रही हैं और वो हवा के साथ उड़ रही हैं। तो उस स्टाइल में जब हम अपनी बॉन्साई को स्टाइल करते हैं, एक तरफ सारी ब्रांचेस ले जाते हैं, ट्रंक लाइन को हम थोड़ा सा स्लांट करते हैं, तो हम उसे विंडस्वेप्ट स्टाइल बॉन्साई का नाम देते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट समय पर मिलते रहें। इस स्टाइल को समझने के लिए आइए चलते हैं क्लासरूम में। आइए दोस्तों, विंडस्वेप्ट स्टाइल बॉन्साई को और अच्छे से समझते हैं। ये एक नॉर्मल ट्री है और ये जो ट्री आप देख पा रहे हैं ये एक तूफान की चपेट में आया हुआ ट्री है, और तूफान भी जो काफ़ी तेज़ी से जो तूफान आते हैं, काफ़ी तेज़ी से जो हवाएं चलती है उसका ये एक उदाहरण है। जब इस तरीके से हवाएं चलती है जो, तो ब्रांचेस का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्रांचेस का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। यहाँ पे जब तेज हवाएं चलती हैं तो आपने नोटिस किया होगा जो अम्ब्रेला, जो छतरी होती है उसका जो डायरेक्शन होता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है और वो खुल जाती है। तो इस तरीके से ये जो लीव्स हैं, ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, इनका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि विंडस्वेप्ट स्टाइल बॉन्साई के अंदर ट्रंक लाइन स्ट्रेट हो या स्लांटिंग हो, विंड के डायरेक्शन में हो। इस केस के अंदर जो हमारा ट्रंक है वह विंड के अगेंस्ट है, ब्रांचेज हैं विंड के अगेंस्ट हैं, लेकिन जो सेकेंडरी ब्रांचेज हैं उनका मूवमेंट विंड के साथ हो रहा है। यहाँ तक ब्रांच स्ट्रेट है लेकिन यहाँ से इसने मूवमेंट ले लिया है। तो इस तरीके से जब मूवमेंट लेते हैं तो भी विंडस्वेप्ट स्टाइल बॉन्साई बनती है। जब नॉर्मल विंड चलती है, जेंटल विंड चलती है, तो जो ब्रांच का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हल्का सा नीचे की तरफ हो जाता है। इस पिक्चर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ये एक नॉर्मल कंडीशन में है, इसके अंदर ब्रांच का स्ट्रक्चर पैरेलल है, लेकिन जब थोड़ी बहुत विंड चल रही है, थोड़ी बहुत हवा चल रही है, तो जो ब्रांचेस हैं वे हल्की ब्रीज, जेंटल ब्रीज जिसे बोलते हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत नीचे आ जाती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मूवमेंट नीचे की तरफ इसके अंदर हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी जो ब्रांचेस का मूवमेंट है वह कुछ इस तरीके से है, और जब इस तरीके से जब ब्रांचेस का मूवमेंट होता है तो इसका मतलब होता है कि थोड़ी थोड़ी हवा बह रही है, जेंटल ब्रीज बह रही है। विंडस्वेप्ट स्टाइल में जो नॉर्मली बॉन्साई का ट्रंक होता है वो स्लांटिंग होता है, यानी कि स्ट्रेट ना होके स्लांटिंग होता है। हमने इसे थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट कर दिया है। अब इसका जो डायरेक्शन है वह कुछ इस तरीके से, जैसे कि प्लेन जो होता है वह जब टेक ऑफ करता है तो वो वाले डायरेक्शन में अगर हम इसे ले लेते हैं ट्रंक का जो मूवमेंट है, तो ये एक परफेक्ट विंडस्वेप्ट स्टाइल के अंदर आ जाता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्लांटिंग स्टाइल के अंदर ही विंडस्वेप्ट स्टाइल बॉन्साई बने। आपकी बॉन्साई का ट्रंक स्ट्रेट भी हो सकता है, ट्रंक स्ट्रेट होगा लेकिन जो ब्रांच का मूवमेंट है वह विंड की डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से भी हम विंडस्वेप्ट स्टाइल बॉन्साई बना सकते हैं। आइए दोस्तों, आपको विंडस्वेप्ट स्टाइल बॉन्साई के बारे में एक और बात बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो ब्रांच है ये ऊपर की तरफ उठी हुई है, बिल्कुल ऊपर की तरफ उठी हुई है, ये भी ऊपर की तरफ उठने लगी है ब्रांच,
तो इसका जो मूवमेंट है ब्रांचेस का ऊपर की तरफ है सारे टिप्स का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी एट प्रेजेंट विंड नहीं चल रही है। विंड यहाँ पे चलती है इसलिए ब्रांचेस का डायरेक्शन इस तरीके से हुआ है, लेकिन एट प्रेजेंट हवा नहीं चल रही है। तो ये जो ब्रांच है, जो नई ब्रांच है, उसका मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाया गया है इसके अंदर। यानी हवा चलती तो है लेकिन अभी नहीं चल रही है। तो ये समझने वाली बात है। ये जो एग्जांपल है इसके अंदर अभी विंड ब्लो नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो ब्रांचेस हैं ये अभी ऊपर की तरफ उठी हुई है। इसका मतलब विंड यहाँ पे ब्लो होती तो है लेकिन अभी नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता तो इनका डायरेक्शन भी हवा के डायरेक्शन में होता। आइए दोस्तों, विंडस्वेप्ट बॉन्साई स्टाइल के एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब बहुत तेज हवाएं चलती है और तूफान आता है तो जो ब्रांचेस का मूवमेंट होता है वह इस तरीके से हो जाता है जैसे कि एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा हो। अभी आप देख पा रहे हो सारी ब्रांचेस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है। ऐसा तब होता है जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं और वो ज़मीन से टकरा के फिर वापस हवा में ऊपर उठती है, तो इस तरीके से ब्रांचेस को लेके जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इसकी फर्स्ट स्टाइलिंग करी है, बाद में कुछ चेंजेस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।